जज्बा जुनून तो हिम्मत हार जुस्त जू जो करे वो छुए आसमां मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो आखिर ये जन्नत ही सर अच्छा। कोई दो दिन नहर सी होते ना जागला आती हो ना मार मार काटते ले, 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 ले। करोगे साड़ी बरादरी के मुंडे भी खेड़ रहे अच्छा मतलब तो क्रिकेट का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं जब आई हूँ मुझसे किसी ने क्रिकेट का पूछा तो मैं यही बोलती थी शायद आप रीति ने कितने गोल बनाए ने गोल बनाए न्योले मियां चाचा टेक लगा लो मुझसे पहले जाना है मैं भी उसी बस में हूँ। जब आप बहुत अच्छे बॉलर के सामने खेले तो दिल धक 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 भी करता है। बॉलर होता है लड़की नहीं होती वो तो साढ़े इन्ने ड्रामे वे हम आप हाथ से गेंद फड़े आंदा हूं दुआव दे जींदा रहो बस जताना ही मैनू आज का हमारा प्रोग्राम मुजाकरात क्रिकेट स्पेशल है जो दुनिया न्यूज और 10 स्पोर्ट्स की मुश्तरका काविश है जिसका नाम है क्रिकेट की दुनिया पावर्ड बाय 10 स्पोर्ट्स क्योंकि ये खेल है दीवानों का क्यों जी। बहुत खामोश है क्या बात है। नहीं खामोश नहीं है बस एंजॉय कर रहा हूँ तुम्हें थोड़ी कम समझ में आती है पंजाबी बहुत खामोश समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती कराची से रहना दिक्कत होती है। अच्छा नहीं तो माशाल्लाह ये काफी आपके जो साथी पंजाबी बोल लेते हैं ये हमारी वजह से तो थोड़ी थोड़ी आती है पहले वो भी नहीं आती थी। जावेद साहब दिखाइए इनको पंजाबी ड्रामे दिखाइए ये भी नहीं इन लोगों की वजह से थोड़ी बहुत आ गई है लेकिन ये लोग काफी थोड़ी मुश्किल बोल रहे तो इसलिए बस इनके साथ एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत खामोश हो मोहब्बत का इरादा कर लिया क्या हाँ, क्या बात इन्हें बड़े बड़े खिलाड़ी खराब की कई चरस्ते लग गए खेडते ही मैच हो रहे नो कर खेडो बाबा थोड़े काम हर बॉलर की एक स्पेशलिटी होती है आपकी एक स्पेशलिटी कि आप एक स्लो बॉल खेलते हैं और वो बड़ी इफेक्टिव होती है ये कैसे कंट्रोल हो जाती है स्पीड और कैसे कैलकुलेशन करते हैं कि ये वाली बॉल स्लो करनी है बैट्समैन की जा रहे हैं ना तबीयत को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें बिल्कुल सिचुएशन को देख के आप अपनी बॉलिंग को जो है ना वो प्लान करते हैं। ये भी एक अब काफी ये नहीं होता कि बस आपने बॉल पकड़ना है भाग के बॉल करा देना है बस आपको अपनी फील्ड प्लेसिंग देखनी होती है गेम का सिचुएशन क्या चल रही है बैट्समैन का मोड देखना होता है कि वो भी किस मतलब डिफेंसिव है या अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाह रहा है तो इसमें ये सारी चीजें फिर आप एज ए बॉलर सोचते हैं फिर अपनी बॉलिंग प्लान करते हैं कि मैंने ये बॉल यॉर्कर करना है या बाउंसर करना है या वो जो स्लो वन की आप बात करें कि स्लो वन करना है तो ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती हैं। आप एक प्लान ए लेके आते हैं ग्राउंड में वो पूरी टीम का जो हम मीटिंग करते हैं उसमें प्लान बनता है फिर क्योंकि लाजमी नहीं होता कि जो आप प्लान करके आ रहे हैं वो चीजें वैसी ही चलें तो वहां पे आपके फिर आपका जो इंटेलिजेंट क्रिकेटर्स होते हैं वो चाहे बैट्समैन हो या बॉलर हो वो फिर अपना स्विच करते हैं प्लान ए टू प्लान बी और जो जितना जल्दी स्विच कर लेता है वही होता है एक अच्छा बनाता है जी कोच बनाता है हमारी जो मैनेजमेंट है कोच और अच्छा। जो कप्तान ये और दूसरे अच्छा जो सीनियर प्लेयर्स हैं इनसे मिलकर सारा कुछ और ये इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द मैच ग्राउंड में पहुंचती हैं। समटाइम ऐसा होता है ना नुमान भाई वो पानी के बहाने आता है बताने के लिए सिचुएशन के साथ थोड़ा कोई चेंज होता है यूं चाह रहे हैं अब इसको यूं कर लो तेज मोमेंटम कर लो स्लो कर लो इस तरह की और आपका वो ग्लास उठाते हो पानी वाला नीचे लिखा हो बंदा मान के खेड़ो डू यू रियली गेट दीज इंस्ट्रक्शन नहीं बिल्कुल इसमें यही होता है कि समटाइम ऐसे होता है कि जैसे अगर कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो उससे कोई भी गलत बॉल हो गया तो उसको भी मैसेज पास ऑन किया जाता है कि अपने जो प्लान है उस पर वापस इस तरह बैटिंग जब कर रहे होते हैं तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे क्या सिचुएशन चल रही है तो उसके मुताबिक मैसेज दिया जाता है। इस तरह प्लान चलते रहते हैं अपने आप को बताना पड़ता है मोटिवेशन भी करनी पड़ती है और प्लान के मुताबिक रहना पड़ता है। कभी कंसेक्टिव दो या तीन बाउंड्रीज पड़ गई हो गुस्सा चढ़ता है अपने ऊपर
गुस्सा तो काफी आता है जब बाउंड्री पड़ती है, बस गेंद सुट के उन्हें गिरबानों ही फाड़ लूंगा और दिया एक। शोएब अख्तर साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि बॉलर शुड बी एन एग्रेसिव गाय और उसमें इतनी पावर होनी चाहिए कि वो बैट्समैन को गुस्सा चढ़ाए, और गुस्सा चढ़ाने का साइकोलॉजिकली इफेक्ट ये पड़ता है कि वो मिस्टेक करता है, और जब वो मिस्टेक करता है तो वो आउट हो जाता है। सो डू यू यूज ऑल दीज काइंड ऑफ टैक्टिक्स? ये बीच में करनी पड़ती है, जब पहली बाउंड्री पड़ती है तो उसके बाद जुमलेबाजी भी चलती है, देते हैं चलते हैं बीच में, सारा कुछ चलता है, उसको गुस्सा दिलवाना होता है, मतलब वो गुस्से में आकर गलत शॉट। हाई लेवल की क्रिकेट होती को मल्ले च नहीं हो रही। देखो जी भाबा ने मैं इंज किया, भा नजीर है इन्होंने रोको। वैसे इरफान का तो बाकी बॉलर, अगर मैं किसी को गुस्सा दिलाऊं बैट्समैन गुस्सा कर जाता है, ये गुस्सा लगता है तो अगला बैट्समैन डर जाता है, चिकेड़ ही ना मारते। ग्राउंड के अंदर पिच पे एक दूसरे के अगेंस्ट ओपोनेंट होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है, लिमिट्स में रह के, वो स्लेजिंग बोलते हैं, लिमिट्स में रह के, मतलब आप किसी को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी को तैश दिलाने के लिए बॉलर्स बिल्कुल ये टैक्टिक्स यूज करते हैं। अर्ज करें हम बैट्समैन हैं और आपने कुछ कहना है, हम बॉलिंग हम बैट पकड़ा गाल काट के क्या यार। सरफराज अमूमन देखा गया है विकेट कीपर जो पीछे खड़ा होता है और तेज बॉलर करवा रहा होता है, किसी किसी एक मखसूस कोई बॉलर है आप हमारी टीम में जिसका बॉल पकड़ते हुए दिक्कत महसूस हो रही हो? नहीं, अभी तो ऐसे इरफान है, उमर गुल है, लेकिन ऐसे इनका पेस काफी अच्छा है, लेकिन मैंने शेब भाई को प्रैक्टिस मैच में मैंने उनकी कीपिंग की है जी, बिल्कुल 2008 में चैंपियंस ट्रॉफी के हमारे ट्रायल मैच हो रहे थे। अच्छा, तो वो जब भाग रहे थे जब उनका बॉल आ रहा था तो पता चल रहा था कि यार किसी फास्ट बॉलर का बॉल आ रहा है, अभी ऐसे माशाल्लाह मोहम्मद इरफान इस तरह बॉलिंग करते हैं माशाल्लाह, थोड़ा सा पेस पिच में होता है तो गेंद जब इनका हाथ पे लगता है तो पता चलता है किसी फास्ट बॉलर का पेस आता है, क्योंकि कीपिंग करने का क्योंकि बाउंस बहुत अच्छा आता है, पेस अच्छा होता है, हाइट की वजह से बाउंस बहुत अच्छा मिल जाता है, इनपे कीपिंग करने का मजा आता है। बॉल सरफराज साहब खुद दही लेने जाते हैं ना, तो मोहल्ले वाले क्वेश्चन करते हैं रमजान में, सरफराज साहब आप दही लेने हैं, कोई घर पे नहीं है तो कहना पड़ता नहीं बड़े नाना को नहीं बोल पे जाना, मैं खून लेके आता हूँ, जो लेने आता है बच्चा उसमें मलाई नहीं होती उसके ऊपर, इसलिए मैं खून रहा हूँ तो मलाई खा जाता हूँ, अगर आपने तोले तोले पैसे देने मैंने नौकरी नहीं लेके जाए, कई लड़के मुझे बाउंसर मारा सारा दिन गिर गया मेरा नहीं, अब बारी उनकी है अब बारी टीम बी की, आपके कहने पे आपको लगाने लगा हुए अभी दही लाइन तोर गए, कहते छाप पर डबल कर दे, कहते हो क्यों, कहते मैं कमा दे जाना चंगे जी टी में। इरफान साहब तो माशाल्लाह जवान आदमी है, दही लेने जाते हो चार पांच कुंडे खुले पैर में रोक गए जी, अच्छा कैरम बोर्ड खेड गए चाचा आप दही लैन गया तो तू मलाई खा आया, चाचा के प्यो ने कहा मलाई, कहना अब्बा जी उन्होंने मैंने पुठी पाती कूडा ही पुठा वरताया, अच्छा शिकायत रोनी हुई तो पूरी लाया कर। ये गुजरांवाला से ताल्लुक है अपने बिलावल साहब का, बिलावल साहब जी गुजरांवाला पहलवाना जी, गुजरांवाला और फैसलाबाद के लोग इतने ही विटी होते हैं माशाल्लाह, महाराज सुहेल साहब, बकरी साहब, खालवा डार साहब, सारे गुजरा सारे शौकीन है जी आप में से ज्यादा कौन है, बदनाम मुन्नी बदनाम हुई गुंडों में फंस गई, आपने जो पूछना इरफान साहब जाएंगे बदनाम ने, उनको बुरकी ले जाने में 2 घंटे लगते हैं, हमने खाया ना थोड़ी देर पहले तुम थे हमारे साथ गुल्ली भाई भी थे, तो कह रहे कितने बंदे कहते एक दो तीन चार और 3-7 जी मेहमान हमारे साथ हैं और हम दुबई क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त बैठे हैं, यहाँ ले लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी डीजे। जिंदगी से भागकर आया हूँ मैं, यूं ही नहीं इस तरह जाया हूँ मैं, जब भी आया हूँ मैं बल्ला थाम कर हर किसी के ही दिल को पाया हूँ मैं, हाँ कभी तो खूब धोता हूँ कभी चुटकी में ही लौट आया हूँ मैं। क्या हाल है सरकार, नकली बाबा या गानिया लाओ तो लौटे चन जा कूलियां का काम करते बाबे नु उस काम का मशवरा दे रहे हो छट दिता जी थोड़ा पुराना Thank you.
जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मेरे मन ये बता के तू किस ओर चला है तू, आ गया क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता। ना जो पाकिस्तानी शेख पढ़ के ले जाएंगे, कहे धड़कन तुमसे क्या मित्रा, ये तू ला 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 ला। अरे वारी वाह, मुबारक हो, बाबा भी खुद में से निकला है। बाबा ही ध्यान ना बिल्ली ने चुके लाइए तानू। ये जोगी साधु संत फकीर आ गए बच्चे, बाबे पहुंचे दादे आ गए, है कोई सखी अल्लाह दा नेक बंदा ये जिड़ा बाबे नु दुबई दे विच इक विला गिफ्ट करे, है कोई अल्लाह का नेक बंदा? दुबई में क्यों बनाना चाह रहे हो, पाकिस्तान में बनाओ। नहीं, पाकिस्तान के बड़े बाबू को बाबा दुबई में बिला के बेटा मीटिंग्स रखेगा, मीटिंग्स। तो दुबई कैसे आना हुआ है? दुबई कैसे आना हुआ? जैसे तुम पहुंच गए, तुम क्या समझते हो बाबे नहीं आ सकते? भाई बाबे अपने ठोकर पे आए हैं, अपने ठोकर पे। ओ वाला तो चार्जिंग वाला। आप तो फुल चुके हैं बाबा, बगैर चार्जिंग तो भी जाग उड़ा लवे थे मन्ने जोगी या तेरे ही कमाल। आप वो खुल चुके हैं, साधु संत फकीर है, बाबे पहुंचे बाबे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह वाह वाह, रौनका लाई है शाहीन हमारे, क्या कहने क्या कहने, हमारे हीरोज हीरोज अदर वे सदके जावा। दो हीरो कल्ले जो निकल आंदे। अरे वाह, जो कि साधु संत फकीर है, बाबे पहुंचे बाबे हैं, बेवकूफा बाबे दुबई आए हैं, दुबई तो देखा, घूम फिर के दुबई देखा, बिल्डिंगे देखी, बाबे को बीच से फुर्सत मिलती तो बाबा घूमता फिरता बच्चा। वैसे क्या हाल है सरकार? ठीक है कि अच्छा, बाबे ने तो इंज ही जवाब दे रहे जिन्हें बाबा मोइन खान है। ठीक है सर, ठीक है सर, हद हो गई है, क्योंकि साधु संत फकीर है तनवीर भाई, बाबे पहुंचे बाबे हैं जी, पहुंच गए जी, बाबा इतने भी पहुंच गए तो बड़ा ही पहुंचे यार। नकली बाबा यार, गानिया लाओ तो लौटे चन जा कूलिया का काम कर। बाबे नु उस काम का मशवरा दे रहे हो, छड़ दिता है बड़ा पुराना। लेकिन कमाल है, अल्लाह पाक की मेहरबानी है आप पे, माशाल्लाह लत हो सीधी काम हो। मैनू पता जे सीधी हो के इथे तक इन्हों का बच्चा बाहर गले चो निकल जाए ना तो लत नाल ही घेर के लिया मेरे, आ जाओ बेटा। ले फिर देख जरा, जोगी साधु संत फकीर तेरे प्रोग्राम में शाप निकालने जा रहे हैं बच्चे, आ क्या कहने, ए भी तो नहीं तू अड्डी। एना ना कहना बाबे आप मेरी निकर पाड़ के सुवा। बाबे कोई मामूली बाबे नहीं, बाबे कैपुचिनो, बाबे ने कैपुचिनो कैपुचिनो बाबे ने इतने आके बच्चे कैपुचिनो आंदे आ पीती, और यकीन कर ले बाबे ने सिर्फ कैपुचिनो ही पीती। ले फिर देख जरा, जोगी साधु संत फकीर तुझे शाप निकाल के दिखाने जा रहा है बच्चे, आज शाम निकलेगा नाशर जमशेद शाम, नाशर जमशेद शाम। क्या बात है, आज इतनी खामोशी क्यों है, की गल है, बाबा को तो अड्डा बड़ा भरा एडा चकंडे मारो नी मां सदके जाए, नी मां यकड़े जाए इधर। देखो जनाब, देखो देखन की चीज अल्लाह ने बनाई है, देखो बाबा नाम ही देखे अल्ट्रासाउंड कर लवे थे। जी बाबा जी, शाम निकलेगा आज? हां पहला कभी निकल, तेन टेंशन पई शाम कड़न दी, बाबे नु टेंशन पई बाबे ने वापस कि जाना। बाबा सांप निकालो गद्दे ना भरो, हद हो गई है तेरे वाली, बाबा गद्दा नाम ही परे तेन निग चढ़े ते मंदे जो भी। क्या कहने, निकालिया गल्ला तुहाडी समझ आ, बाकी नहीं आउंदियां सानू, सारियां समझ आनियां ने, बाबा सांप कढ़ मैं मसवाक करनी है। बहुत बहुत आना, बहुत आना, बहुत आना, बहुत आना, बहुत आना।
तू जब बिछड़ने का सवाल करे वो तो बोली नहीं बेचारी तू बिछड़ने का जब भी सवाल करे तू बिछड़ने का जब भी सवाल करे तेरा भाई हाजिर है रोकने के लिए हद हो गई है देख जरा चटपन चाउर चपन चटपन तुम चढ़ा के छू चढ़ा के आ ये काली कलकत्ते वाली तेरा मारना जाए खाली जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए हे दागड़ता दागड़ता दागड़ा कर दिन हरिया बोतला खरिया बोतला सुखिया बोतला आ भाई कुल्लू कुल्लू चूच कुल्लू हट कटोरी चू हे बू जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दागड़ता दागड़ता दागड़ा कर दिन भाई आकर भी नहीं निकला बेच आ जा बाद चो निकलना भी आजा आजा सब निकले बीच में शाम को आई छप निकली नहीं पहले फिर हत निकली आई ये खत किसका है ये पाकिस्तानी कौम ने अपने शाहीनों के नाम भेजा है बच्चा कौम लिखती है कि प्यारे शाहीनों ऐश्वर्य वर्ल्ड कप भी जीत के आना ये ना होवे कि उन जी आज वो जिमें पिछली बारी आ गए वारी वारी आउंदे हो फिर इको वारी नहीं आउंदे कौम लिखती है कि प्यारे शहीनों इस दफा कराची लाहौर और पिशावर एयरपोर्ट पे हमने बंदे खड़े करने अगर ऐसे वाले भी तुझे कले कले आए तो यार की हार पावांगे फुल्ला दे वाह 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 कौम फिर भी किड्डी अच्छी है फुल्ला दे हार पा रही लेकिन हमारा फख्र है आप हमारा शौक है आप हमारा यौक है आप हमारी पहचान है आप हमारी शान है आप आपसे ही हम पाकिस्तान मशहूर हो रहा है पूरी दुनिया में इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको तरक्की देगा है वर्ल्ड कप हमारी ही टीम लेकर आएगी वारे वाह क्यों नहीं बाबे अल्लाह मुबारक करे वारे वाह वारे वाह वारे वाह ले फिर देख जरा जोगी साधु संत फकीर जा रहा है तुम्हारी जो थी वो नहीं नजर आ रही किधर है वो क्या स्टिक तुम्हारी जो होती है रवायत वाली जो बस उस छोटी की अब जरूरत नहीं पड़ती बचिया क्यों अच्छा खेल रहे ने यार यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का शाहीन हमारे साथ हैं हमारे हीरोज हमारी प्राइड कहीं मत जाइएगा जी डीजे यल्ला हबीबी यल्ला यल्ला हबीबी पकड़ ले तू हाथ में फिर बल्ला हबीबी खेलती है टीम उम्दा जब कभी फिर तो हो जाता हूँ मैं छल्ला हबीबी हाथ आया मैच खो जाए जब कभी दिल खराब हो बल्ला हबीबी हाय किया कद्दू टमाटर बताऊं अदरक थोम पीनो कि नहीं आ जाओ टमाटर टमाटर पीनो गली बड़े गटर आ जाओ नहीं एक दफा खरबूजे ला ले अच्छा सारा दिन कोई नहीं बिकया पानी मार के ना बिकना नहीं होश ते फड़ो जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात सर मुझे ये बताएं कि इतना प्रेशर वर्ल्ड कप के लिए दुआएं हो रही हैं पैगाम आ रहे हैं ये तो एक बुखला देने वाली वाकई मुझे नर्व्स की आप बात कर रहे हैं नर्व्स तो बिल्कुल जैम हो जाते होंगे बिल्कुल प्रेशर होता है बहुत सारा और जब ये भी मालूम है का गॉड फॉरबिड अगर कोई 19-20 होती है तो कौम जो है वो बिल्कुल बिफर जाती है तो क्या आई मीन देखिए इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम विच द कॉम शुड रियलाइज एज वेल हम बिल्कुल मानते हैं कॉम हमारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है क्रिकेट के साथ एफिलिएशन बहुत ज्यादा है उनकी शायद इसी वजह से इमोशनल भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं वो हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते लेकिन एंड ऑफ द डे बात वही आपने जैसे बोला कि ये है एक खेल खेल में दो टीमें खेलती हैं एक ही जीत सकती है अब वर्ल्ड कप हो रहा है इंशाल्लाह हम उसमें जाएंगे उसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी तो एक टीम ने ही वर्ल्ड कप जीतना है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जो भी मैच खेलते हैं क्योंकि हमें भी पता होता है कि हमारे पीछे 18 करोड़ आवाम है अच्छा एक रिवायत रही है वर्ल्ड कप के हवाले से कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से हार जाता है इस दफा पहला मैच जो है वही हिंदुस्तान के साथ है एंड आई एम श्योर यू ऑल माइट बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर तो कोई इसके हवाले से कोई स्ट्रेटजी बन रही लेकिन उमान भाई ये एक कोइंसिडेंट ही आप बोल सकते हैं कुछ चीजें होती हैं जो टीम किसी भी एक स्पेसिफिक टीम के साथ एसोसिएट हो जाती है जिस तरह आप देखें साउथ अफ्रीका की टीम है उनके साथ वो चक्कर का एक टैग लगा हुआ है कि जब भी कोई मेगा इवेंट का बड़ा मैच आता है तो वो लोग हार जाते हैं वैसे यूजुअली देखें तो हमेशा टॉप थ्री में रहते हैं विच इज अ हार्ड लक विद देम एग्जैक्टली तो कुछ चीजें होती है जो मतलब आप
जस्टिफाई नहीं कर सकते वर्ड्स के साथ कि जी इसके पीछे ये रीजन है। मतलब मैं आपको मैं कोई रीजन नहीं दे सकता कि हम इंडिया से क्यों हार जाते हैं जब भी वर्ल्ड कप का मैच होता है। वैसे अगर आप हेड टू हेड देखें तो हम शायद फार हेड है इंडिया से। आर वी रियली अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशर सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट होता है। हमारे एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर जरूर होता है क्योंकि आप भी हम श्योर के यही चाहते होंगे आप किससे भी हार जाएं लेकिन इंडिया से नहीं हार रहे। होता ही है, हर बंदे हर एक जो भी पाकिस्तानी है उसकी यही ख्वाहिश होती है। तो वो थोड़ा सा एडेड प्रेशर जरूर हम पे आ जाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वही प्रेशर लेके हार जाते हैं क्योंकि वो प्रेशर तो इंडिया के अगेंस्ट वैसे भी बायलैटरल गेम्स में भी होता है तो उसमें तो हम लोग मतलब जीतते भी हैं हारते भी हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि वर्ल्ड कप का पहला मैच है इंडिया के साथ है तो एक अच्छी फतह से जब आप किसी इवेंट का आगाज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आगे मोटिवेट करता है। तो कोशिश करेंगे कि जीत के साथ आगाज करें और वो जो एक वो एक लगा करिज्मा सा बना हुआ है उसको भी ब्रेक करें इस दफा इंशाल्लाह। रिजाक और वसीम अकरम जैसा कोई ऑलराउंडर पाकिस्तानी टीम में इस वक्त नहीं है। फास्ट बॉलर भी हो अच्छा बैट्समैन भी हो आप दोनों हैं लेकिन बैटिंग पे थोड़ा सा फोकस कुछ ज्यादा किया? बिल्कुल, पाकिस्तान खेलने के बाद सबने यही बोला कि यार आप बैटिंग भी माशाल्लाह अच्छी कर सकते हो। जब से वापस आया हूँ अपने डोमेस्टिक में बैटिंग में काफी इम्प्रूवमेंट आई है क्योंकि मैं काफी सेशंस कर रहा हूँ कोचिज के साथ जो हमारी नई मैनेजमेंट है। ऑफ सीजन में ऐसे ही किया जाती हूँ, तीन चार महीने हम बिल्कुल पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं थी तो ऐसे ही पहले जब हम लोग बॉलिंग करते थे तो हम नेट में इतनी ज्यादा बैटिंग नहीं करते थे। तो जब से ये खेल रहे हैं पता चला है कि अगर साथ में 30-40 पाकिस्तान के लिए रन ऐड कर सकते हैं तो क्यों ना मैं इसको जरा 60-70 में कन्वर्ट करूं। तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूं, आगे से काफी इम्प्रूवमेंट ही आई है। हमने टेल एंजर्स के हवाले से देखा है कि कुछ मुल्कों के जो टेल एंजर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं लेकिन जब आप आते हो और थोड़ा सा भी प्रेशर होता है तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है इरफान वो समहाउ इधर कभी नजर नहीं आता। कोई स्पेसिफिक रीजन है या बैटिंग की तरफ थोड़ा सा भी फोकस नहीं किया है, फोकस सिर्फ बॉलिंग की तरफ ही ज्यादा है या बल्ला आपको छोटा होता है? ये अच्छा सवाल है वैसे। आपको कोई खास बल्ला बनता है? स्पेशल बल्ला बनता है, हर चीज स्पेशली बनती है मेरी तो आम हाइट वाले की मेरे इसलिए तो फिर आपकी बल्ले बल्ले होती है तो वो बड़े बल्ले की इजाजत होती है 1.5 इंच ज्यादा बना सकते हैं। जैसे दुनिया में इनकी इजाजत है तो इनके लिए बड़ी चीजों की इजाजत है। उसमें ये है मतलब पहले बैटिंग कम करते थे, डोमेस्टिक वगैरह में खेलते तो इतना फोकस नहीं करते थे क्यों ज्यादा हमारा जो शोभा था बॉलिंग का था तो लेकिन जब से इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज्यादा हुई है उसमें अगर आखिरी टेल एंडर जब हम जाते हैं तो 10-15 स्कोर भी कर लें तो 10-15 हमारे स्कोर हो जाए तो उससे 40-50 रन टीम के लिए ऐड होते हैं वो सबसे अहम होते हैं। सभी कोशिश कर रहे हैं नेट में अपनी बैटिंग और ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और बॉलिंग के साथ बैटिंग भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। एशिया में रिकॉर्ड अच्छा है, फास्ट ट्रैक में थोड़ा सा मसला है उसको ये इस खामी को भी दूर करने की कोशिश। ऐसी कोई बात नहीं है, जो फास्ट ट्रैक और आदमी की हर बात जानते हो ये इंस्ट्रक्शन पता नहीं कहाँ से मिल रही है इनको ये ऐसी कोई बात नहीं है भाई अद्धा किराया भर नाल तू नहीं बह गया बस दो चार इनिंग ऐसी हैं कि जो वहाँ पे फ्लॉप हुई हैं वो भी फ्लॉप नहीं है बस उसमें थोड़ी सी बैड फॉर्म कह सकते हैं। तो बाकी एशिया में ज्यादातर क्रिकेट एशिया में खेला हूँ तो इस वजह से बस एक रेपुटेशन कहने के कहले बनी हुई है कि एशिया में ज्यादा अच्छी फॉर्म है ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा तो जैसे यानी कि दूसरी जगह फॉरेन कंट्रीज में भी जाके खेलेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। पराठों के बड़े शौकीन है सुना लाहौर में रहते तो खाने आप मुझे आइडिया हो गया कि वाकई आपको मुखबरी हुई है मैं भी लाहौर का रहने वाला तो अक्सर देखा है और पराठे वाले गिला करते हैं आपके नाम से। हाँ क्यों जी पराठे डीजे भाई ने भी बड़े खाए अपने नाम मालूम अपराध में ना माशाल्लाह वैसे कारीगर भी लगते ने चिमटा फड़िया होंगे धुएं आले बना नहीं भाजी 20 रुपए का नहीं होता क्या हाथ ना मारो भाजी ए रोजा खोलने वाला परौंठा और रखने वाला और मेहरबानी क्या फर्क क्या है दोनों में रखने वाले परौंठा जब रोजा रखने वाला ना और तू गाह तू दसा कि तेन पूछा आपसे पूछना चाहता है बलों वाला परौंठा होता है बलों वाला जो परौंठा उसका नाम अभी रखे पग परौंठा क्योंकि पग के ही वाल होंगे ने परौंठे के ही वाल होंगे ये होंगे वाल छल जो पता होंगे तेरे वाल चलता अभी साढ़े ना को वाल चल ना करे हाँ तू ये नाल है वो मैंने चढ़ाना है वैसे लाहौर मुझे इसलिए ज्यादा पसंद है कि आप सब लोग वहीं के रहने वाले अच्छे अच्छे लोग
छोटे शहरों में ना दूसरे शहरों में सौदा सब्जी और तरह बिकता है, घिया कद्दू दे तीन डे दे घिया ला दो टमाटर प्याज, लाहौर के लोग म्यूजिक नाल बेचते हैं छेड़ देने मैं अजू कहना पे लै जाओ आ जाओ जी घिया चपनी उबलिया चौलों ना खानी है। एक दफा बिलावल भट्टी ने भी सब्जी लगा ली, गली में जा रहा कर आलू लो टींडे लो मर गिर पड़ा कहना एलो। एक मुंडा सब्जी की रेहड़ी रह के क्या महल च हम अपनी मंगेतर भी मुखातब कर रहा सब्जी बेच रहा किसी को पता नहीं लगन दे रहा किया कद्दू टमाटर बताऊ अदरक थोम पीनो कितने में नहीं आ जाओ टमाटर मटर पीनो तो जी गली च बड़े गटर आ जाओ जी फोन कार्ड ले जाओ तेरे पे मैं तो कहना टमाटर टमाटर आप कुछ इन्होंने भी एक दफा खरबूजे ला ले सारा दिन कोई नहीं बिकया पानी मार के ना बिकना नहीं होश तो फड़ो दुनिया टीवी और टेन स्पोर्ट्स के तावन से जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसका मजा लीजिएगा कहीं मत जाइएगा। हम छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे एक अजनबी से दिल का लगाना अजीब था जीते हुए को पल में हराना अजीब था बॉलर भी क्या कमाल खुदा ने हमें दिए विकेटों का धड़ा धड़ वो गिराना अजीब था कानून सबके समझे हमारे लिए ही सख्त हम ही अजीब थे के जमाना अजीब था दसों में नुकोए मेरा दिलबर गुगली दे एक्शन विच मेनू प्यार दा बाउंसर मार गया कीता कैच ओने मेरा दिल यारो मैं जीतया मैच भी जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हमारी हम जुबान तो सिर्फ हिंदुस्तान की टीम है जो कन्वर्सेशन एक ही जुबान में जाती है तो चलती है जुगतबादी उनके साथ चलती है तो कोई है ऐसा सुहेल जी कोई प्लेयर जिसके साथ आपकी इस तरह की गपशप क्योंकि आपने तो लीग की वहाँ लीग बहुत खेली है जुगते हर नहीं चलती क्योंकि उन लोगों को इतनी पंजाबी समझ नहीं आती वो जो उनका पंजाब है जैसे युवराज को पंजाबी आती है हरभजन हो गया उनको पंजाबी आती है और मैं शुएब भाई काफी उनको जुगते मारते रहते थे और वो आगे से ऐसे चुप बैठे होते थे जैसे अभी बिलावल के सामने ये बैठे हुए हैं उनको क्योंकि बाकी समझ नहीं आती थी तो आगे से जवाब नहीं दे सकते तो शुएब भाई को मैंने देखा हमेशा उनको आगे ही लगाया होता था ग्राउंड में भी और ग्राउंड के बाहर भी दोनों जगहों पे वैसे हम उनको आगे नहीं निकलने देते इंडिया वालों को इस मामले में तो आगे लगाए रखते हैं हमेशा शुएब भाई डबल एक्शन है वाहिद विकेट कीपर हमने देखे हैं जो बहुत खामोश रहते हैं विकेट के पीछे तो आप भी इसी तरह खामोश रहते हैं नहीं मैं इतना खामोश नहीं आता मैं तो बोलता रहता सर मैं बैक करना पड़ता क्योंकि विकेट कीपर ये तो एक ऑलमोस्ट टीम की जान होती है अगर उसको बीच में खड़ा हुआ होता है उसको आइडिया होता है तो प्लेयर्स को बैक करते रहना चाहिए और मैं बैक भी करता हूँ अच्छा रहता है जरा मेरी भी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी रहती है ग्राउंड में। क्या कहते हैं प्यार से आपको घर में कोई प्यार से बुलाता है कोई नाम रखा मुझे बचपन फुप्पो मेरी मिठू बोलती थी मिठू बोलती थी बचपन में तो वो फिर हल्का अहबाब में दोस्तों नहीं 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 वो अभी मुझे एसटी बोलते हैं मुझे इरफान भाई को तो प्यार से गन्ना कहते हैं अंग्रेजी में उनका नाम लिया करो गन्ना नहीं होता गन्स ऑफ नेवरॉन और बिलावल को प्यार से गोंगलू कहते हैं इन्होंने लाइक दबाना आखिर आपको कुछ प्यार से कहते हैं घर में बस हर दफा यही कहते हैं आज और रोटियां खा लो नहीं जब से यानी कि पाकिस्तान टीम में भी आया तो खेलना शुरू किया तो तब से भोलू नाम पड़ गया है क्योंकि मेरी जिसामत भी थोड़ी सी हेल्थी है तो इसमें मुझे प्यार से सारी टीममेट्स वगैरह भोलू कह के बुलाते हैं जब से क्रिकेट में इज्जत वगैरह शुरू हो गई इरफान साहब आपको क्या कहते हैं मुझे तो सारे प्लेयर ज्यादा लंबा काम ही नाम लेते हैं छोटू ज्यादा कहते हैं छोटू छोटू कहते हैं ज्यादा जल्दी पता चलता मुझे बुला अच्छा ओके छोटू घर में भी आप
सारे बहन भाई में सबसे टॉल है माशाल्लाह। जी जी मैं सबसे छोटा हूँ। सारे पूछते ने पैर उत्ते आवाज चल रही है डाली बाकी बहन भाइयों माशाल्लाह भाइयों की सब टॉल है माशाल्लाह से ऊपर ही है तो और बाकियों की पानी पूरी पाते रहने जी घर के बद गए बूटे भी मिठे मेवे ही माशाल्लाह ऐ भी अल्लाह ने किसी को दिता ही है ना ये पहले 30 साल बकरा रहा है बिके नहीं होने थे इतने आ गए आपको भी कुछ प्यार से पुकारते हैं घर वाले भट्टी बोलते हैं मेरे दोस्त वगैरह ज्यादा टीम में भी लेकिन घर में मुझे मेरे नाम से पुकारते हैं बिलावल भट्टी की तालियां जी सरप्राइज आपको प्यार से घर में क्या कहते हैं मुझे फैजी कहते हैं और क्रिकेट वाले जितने भी सारे हैं टीममेट्स हैं वो सैफी कहते हैं यहाँ ले लेते हैं एक ब्रेक क्योंकि ये खेल है दीवानों का कहीं मत जाइएगा जी डीजे कभी तो मेहरबा होकर बुला लें पाबंदी जिस पे चाहे ये लगा लें कि बॉलिंग एक्शन मजबूत कर दें लो फिर टेस्टों के झंझट में ये डालें सजा जिसकी खत्म अब हो चुकी है खुदारा उसको तो वापस बुला लें चकायो मुंडा आ जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात तेन पिछो को गुलेल च पा के छड़ दा गुलेल च बाबा आ ही नहीं सकदा गुलेल ते इत्थे पई है बच्चे हद हो गई है आहा बाबे का एक शेर रह गया था बच्चा वाह वाह अर्ज किया है अर्ज बहुत अच्छा करदा ऐसा अच्छा कहा आज इश्क दे टूर्नामेंट अंदर बाबा प्यार दा फाइनल हार गया हार गया मुकर्रर ओ नहीं नाल आया आज इश्क दे टूर्नामेंट अंदर बाबा प्यार दा फाइनल हार गया होई हुसन दी बैटिंग तेज एनी हर छक्का बाउंड्रियों पार गया मेरा दिलबर गुगलिया एक्शन विच मेरा दिलबर गुगली दे एक्शन गुगली दे एक्शन विच गुगली मेरा दिलबर गुगली मेरा दिलबर गुगली दे एक्शन विच मेनू प्यार दा बाउंसर मार गया कीता कैच ओने मेरा दिल यारो मैं जितया मैच भी बाबा जी ये बताएं मैच आप सामिया जी से खेल रहे थे सामिया जी आपने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी ऐ देखो क्रिकेट वाली ध्यान करो जी सामिया जी जरा बताइए क्या समझती हैं आपके वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है और पाकिस्तान के सितारे और उसमें क्रिकेट रिजल्ट क्या होगा एक्चुअली जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो मैं जब पाकिस्तान पे भी डाउनफॉल आया 2001 और 2 के बाद से तो मैं उस वक्त भी ये पेशगोईयां मेरी ऑन एयर थी और मैंने कहा था कि 2014 वाला जो साल है और 13 वाले साल से कि क्रिकेट अब कम बैक करेगी और अपने शायकीन को मायूस नहीं करेगी इंशाल्लाह। आप इस वर्ल्ड कप की बात जो करते हैं मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान अपने उस वक्त में एंटर हो चुका हुआ है कि यहाँ पे पाकिस्तान के जायचे में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान की जो फिफ्थ हाउस की पोजीशन है कि पाकिस्तान की सियासत हो या मैच मौजूदों का बड़ा कमाल है अरे। तो वो ये एक रोल हमेशा रहेगा हमारी क्रिकेट में ये मैं नहीं कहती कि मेहनत ना करें या परफॉर्म ना करें लेकिन ये वाला साल यकीन कीजिए कि क्रिकेट का कम बैक है अल्हम्दुलिल्लाह और आप मुझे तो अपने सितारों से 100% उम्मीद है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में नौमान हमें मायूसी नहीं होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल पक्की उम्मीद है कि इस दफा वर्ल्ड कप आके ही रहेगा आप के जिम्मे है कि अब हमारी इज्जत रखनी है हमें की इज्जत रखना वरना हमने इससे पैसे वापस ले प्रोग्राम के एंड में मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा थैंक यू सुहेल नासिर इरफान बिलावल एंड सरफराज आप लोग इतनी ट्रेनिंग के उसमें टाइम में से अपना टाइम निकाला आपने और हमारी इस प्रोग्राम की जीनत बने थैंक यू वेरी मच और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए और हर मैच मैं पाकिस्तान का झंडा बुलंद हो जी और जाते जाते ये कहूंगा कि क्यों मोबाइल की तरफ से आप सब लोगों के लिए टेबलेट है जी वो अपने साथ लेकर जाइएगा प्रोग्राम के एंड में हमारे जो डीजे हैं वो जो एक रिवायत
हमारी है गाने की, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जी डीजे, आज हम ये गाना जो है वो हमारी पाकिस्तानी टीम को डेडिकेट करेंगे। अरे ये स्पेशल गाना हमने बनाया है। जिंदगी के सभी रंग ढंग, हर घड़ी जीने की नई उमंग, जिस किसी के दिल में सुबह शाम हो, दुनिया उसी के ही संग है। ये सारी हमारी दुनिया, खूब से खूब तर बनाए इसको सारे मिलके हम, ये प्यारी दुनिया, प्यारी दुनिया हमारी दुनिया, हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया, ये सारी दुनिया, सारी दुनिया। जिंदगी के खेल में हार भी है जीत भी, हार को भी जीत में बदलना है, हम जहाँ कदम रखें मंजिलें ही मंजिलें, मंजिलों को राह गुजर समझना है, दिल में जिसके नई तरंग हो उसी की दुनिया, उसी की दुनिया हमारी दुनिया, हर के रूबरू जीतने की आरजू, जीत कर दिखा दिया है जिसने, कारवां जो थक गए राह में भटक गए, उनको साथ ले लिया है जिसने, दुनिया उसी के ही संग है, ये प्यारी दुनिया, प्यारी दुनिया हमारी दुनिया, हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया, में सितारा हो है लाल पर हो साया ए खुदा ए दुल जला, ऐ मेरी दुनिया, ऐ मेरी दुनिया हमारी दुनिया, हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया, ये सारी दुनिया, ये सारी दुनिया। ओ पे आ जांदे यारियां दा दंगिया, जिन्हें किसी कोलों कभी पानी भी नहीं मंगे, वेरी फोर्टिफाइंग यू लैफ्टिंग नाउ मैनू पानी ते पे आ ते आ आ आ। किस कदर महरूम वो शख्स है जिसको नूरजहां का दौर मिला हो और उसे नूरजहां की कदर व मंजिलत और उनकी असल हकीकत का पता न चला। अरे वाह। आई स्टिल फील के जिन जिन अदाकारों पर उनके ओरिजिनल सॉन्ग पिक्चराइज हुए वो अमर हो गए। कमरा में आना कहना मुझे तुम चाय पिलाओ। हाँ तो